जनपद संभल के चंदोसी में जल निगम की अमृत योजना के तहत सड़कों को खोदकर पानी वाली लाइन का कार्य मोहल्ला साहूकारा में चल रहा है। जल निगम मजदूर यूसुफ का कहना है कि हम लोग अपने अपने कारों में लगे हुए थे कि अचानक मोनू मेंबर साहब मौके पर आए और हम सभी लोगों से कहने लगे कि तुम लोगों ने सारी सड़कों को तोड़कर रखा है, और बुरा भला कहने लगे और बोले तुरंत जो कार्य कर रहे हो उसे बंद कर दो। जब हमने उन्हें मना किया तब मोनू ने हमें मारा पीटा, जिससे हम लोगों को काफ़ी चोटें आई हैं। ये घटना आज सुबह की है। इस घटना को काफ़ी लोगों ने देखा और हम लोगों को बचाया। वहीं मोनू मेंबर व मोहल्ले के लोगों का कहना है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, जल निगम के ठेकेदार ने हमारे मोहल्ले के सारे रास्ते खोदकर गड्ढे कर दिए हैं। हम लोगों ने इससे कहा कि एक रास्ता खोदकर ठीक कर दो, उसके बाद दूसरा रास्ता खोदो। इसी बात को लेकर ठेकेदार की लेबर काम बंद करके चली गई। और मोनू मेंबर का कहना है कि त्यौहार का समय है, 2 से 3 दिन के अंदर कार्य पूरा नहीं किया गया तो मोहल्लेवासी चंदा करके यहाँ का काम पूरा करवाएंगे। कैसे खड़े हो आप कोतवाली में? जी रिपोर्ट लिखाना है। किस मामले में? जी इस मामले में लेबर के लिए मारपीट करी। किसने मारा? मोनू मेंबर। और आप किस विभाग से हैं? जी हम तो जल विभाग से हैं। तो क्या हुआ, पूरा पूरी घटना बताएं। जी पूरी घटना ये है कि काम चल रहा चंदूसी में साहूकार मोहल्ले में काम चलने पे, मतलब ये है कि जब लाइन डलेगी तो सड़क तो टूटेंगी, टूटने के बाद में उसमें पैप जब दब रहा है तो वो तो काम चल रहा है। अब आने के बाद में उन्होंने मारपीट करनी चालू कर दी लेबर में, कि गाली दे के भागो ऐसे मार 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 के निकालने लगे। उन्होंने थाने में कैसे आए? जी हमारी मारपीट हुई थी। किससे? मोनू सर, मेंबर साहब। किस बात को लेके? सर पानी वाली जो जल निगम लाइन है वो पानी वाली लाइन डाल रहे थे हम, तो वो नाली साफ करने के लिए बोल रहे थे। हमने दोनों तरफ की नाली भी साफ कर दी और एक तरफ की रह गई थी, वो कह रहे हम तो 10 मिनट के बाद नाली साफ करेंगे। तो वो बोले, एक लेडीज थी मतलब दरवाजे पर खड़ी हुई। कौन बोले? वो मेंबर साहब बोले। क्या नाम है मेंबर साहब का? मोनू साहब, मोनू मेंबर साहब। फिर क्या हुआ, लेडीज खड़ी थी? तो वो लेडीज बोली थी कि लड़का चिल्ला रहा है, तो उस औरत के कहने में मेंबर साहब ने मेरे 2-3 रैपट मारा, 4-5 रैपट मारे, घुसे मारा लाते फिरी। उस महिला ने क्या शिकायत की? उन्होंने शिकायत ये थी कि लड़का चिल्ला रहा था मेरे पर, मैंने नाली साफ करने के लिए। तुम चिल्लाए थे? नहीं मैं चिल्लाया नहीं था। उस महिला ने कुछ कहा था आपसे? हाँ इससे ये कहा था मिस्टर के बेटा कि नाली साफ कर दो, मैंने नाली साफ कर दी। मेंबर साहब आगे 5 मिनट के बाद दूसरी रोज बोले कि वाली नाली साफ कर बेटा, तो मैंने की आंटी 10 मिनट रुक जाओ मैं अपना पाइप जोड़ लिया हूँ। तो मेंबर साहब आ गए, तो मेंबर साहब बोले, वो लेडीज बोली कि ये लड़का चिल्ला रहा है। तो वो मेंबर साहब ने आकर मेरे 2-3 रैपट मारे लाते घूमते फिरे और मुझे नाली में गिरा दिया, हमारी नाली में, तो मैं कहीं निकला मारता मारता, बस ये बात हुई थी। अब आप थाने में क्यों आए हो? थाने में आया रिपोर्ट करने के लिए। आपका? मेरा नाम है अलका अग्रवाल। किस मोहल्ले की निवासी हैं आप? सावकर मोहल्ले की। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये थी भैया, सुबह से पानी बिल्कुल बंद था। पानी कहाँ का? नालियों का? नालियों को यूँ बंद हो गया, उन्होंने सारी मट्टी डाल दी। मैंने पहले के मैंने बेटे या तो इसमें तुम 3 सेट रखते, भाई हम कुल्ला दौतन आज शिवरात्रि का दिन है तो बताइए हम व्रत रखें कैसे हम करें। फिर वो नहीं बोले चिकचिकार, मैंने बेटा तुम लोगों का थक गए हो तो मैं तुम्हें चलो चाय बना, बोला हमें पीते हैं चाय बना। मैंने बेटा तो भाई मैंने नौकर बोला कि आधी ज्यादा साफ कर दी। अब भैया नौकर भी मेरा नौकर आने दिया है, तो दूसरा किसी मिलने वाले के बच्चे बोला मेरे बेटा नाली खोल दो मैं कैसे काम करूँ, सीधे से मेरा सारा काम पड़ हुआ है। इन्होंने अपनी तरफ की, इन्होंने भी कही तो माल टुटड़ा करके बोलने लगा, बोले भैया भंगियों का काम है हमारा काम नहीं है। तो मैंने भैया अगर भंगियों का काम है तो तुम यहाँ पे टीन डालते, तुमने नाली को बंद करी हमारी। उसका मेंबर साहब आए, फिर क्या हुआ? उसका मेंबर साहब आया, मेंबर साहब सुनने की भैया देखो ये समस्या बता, पानी हम किस हाथ से निकालेंगे, ये लेडी हम थोड़ी निकालेंगे नाली साफ करके, अब ना भी हमसे निकलती वो। उन्होंने आरोप लगाया मेंबर साहब ने मारपीट की उनके साथ? नहीं मेंबर साहब ने कोई मारो, मेंबर साहब यही बोले कि भैया एक बात सुने, जब लेडीज कह रही है तुम और सबकी मत करो, इतनी सी नाली तो खोलेंगे त्यौहार के दिन काम कैसे करें, बस सब हम नहीं करेंगे काम, हम नहीं करेंगे काम, हम जा रहे हैं। तो बोले जा रहे थे जाओ, फिर काम छोड़ के चले गए, बस काम छोड़ के चले गए। हमने बथेरा प्यार से कही, मैंने बेटा तू हजार तीसरी नाली कर देते हैं हम तो सब। देवेंद्र गुप्ता, मोनू देवेंद्र गुप्ता जी, आप यहाँ सभासद हैं साहूकारा मोहल्ले के, यहाँ पर टंकी का पाइपलाइन का काम चल रहा है, मजदूरों ने आरोप लगाया है, आपने उनके साथ मार पिटाई की है, क्या कहेंगे? बिल्कुल झूठा आरोप है मजदूरों का, वो इतनी निहायत बदतमीज और वैसी लेबर है जो यहाँ महिलाओं से आप बयान ले लीजिए, महिलाओं से आप वो कर लीजिए, उन्होंने अभद्रता करी महिलाओं के साथ, वो लाठी और कुदाल लेकर सिर हो जाते हैं और नालियां भर देते हैं, कनेक्शन तोड़ देते हैं, बिल्कुल अभद्रता से, बिल्कुल निहाती गैर जिम्मेदारी पने से काम कर रही है लेबर। मोहल्ले वाले आक्रोशित हैं उसी के व्यवहार से, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, उन्हें किसी बात की परवाह नहीं है, उन्हें तो अपनी मनमर्जी का काम करना है जी, और अभद्रता पे उतारू है, बहुत गैर बदतमीजी इस लेबर को यहाँ पे काम नहीं करने को वो है। अब ये आज सुबह से यह काम बंद है, और अगर ऐसे भी आने वाले दिनों में काम बंद रहेगा तो फिर अपनी निजी स्तर से पैसा इकट्ठा करके अपनी इन गड्ढों को भराया जाएगा, ये निर्णय लिया गया है, अगर यह काम बंद रहेगा तो।
तो ये निर्णय आपने क्यों लिया है? आने रहे सुबह से बच्चे गिर रहे हैं गड्ढों में, एक एक डेढ़ फुट के गड्ढे, दो दो फुट के गड्ढे, बाइक में निकल में घर से निकलती गड्ढे से तैयार है, गाय गिर गई है, गाय फंस गई है, बच्चे कर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं। तो जब सरकार की योजना चल रही है, सरकार पैसा लगाएगी, तो आप प्राइवेट पैसा लगा क्यों कराएंगे? नहीं तो सरकार की नीयत बहुत बढ़िया है, लेकिन जो इनके अधिकारी जैसे अब ये प्राइवेट मैन है आखिर, इसकी नीयत सही नहीं है। बोले अभी दिन से शुरू कराऊंगा काम को, कब शुरू कराएगा? ये आखिल है, हासिल है, और ये जो भी इनकी लेबर है